ये क्लास सेवन का सिक्स चैप्टर थर्ड है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, हाउ एमएलए इज इलेक्टेड, एमएलए कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट कैसे होते हैं। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो स्टेट में जो गवर्नमेंट बनती है वहाँ होते हैं एमएलए। एमएलए कहाँ होते हैं, स्टेट में होते हैं। एमएलए का जो हेड होता है वो होता है सीएम, मतलब चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो एमएलए कैसे इलेक्ट होते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया होता है, मतलब एक एरिया है उसे कहते हैं कंस्टिट्यूएंसी, मतलब एक एरिया जहाँ लोग रहते हैं वो होती है कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है। और जो 18 साल से ऊपर के हैं वो होते हैं एडल्ट, और उन्हें कहते हैं वोटर्स। वोटर्स वोट करते हैं कैंडिडेट के लिए, जो भी उन्हें पसंद है उस कैंडिडेट के लिए, क्योंकि सभी पार्टी के कैंडिडेट वहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। तो पर्सन हु गेट द मैक्सिमम वोट, जिसमें जिससे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं एमएलए, सीधी सी बात। तो एमएलए कहाँ होते हैं, एमएलए फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए कहाँ होते हैं, स्टेट में होते हैं। इनके एमएलए का हेड होता है सीएम, चीफ मिनिस्टर। तो एमएलए मतलब एक एरिया होगा, एरिया डिफाइन होता है कि ये इस एरिया में एक एमएलए एक पार्टी खड़ा कर सके, कैंडिडेट एक पार्टी एक कैंडिडेट खड़ा करेगी इस एरिया में, ठीक है। उस एरिया में 18 साल से जो बड़े होंगे वोटर्स, और वो वोट करेंगे। हर पार्टी का अपना अपना कैंडिडेट होगा, जिस पार्टी के कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, रो बन जाएगा उस एरिया का एमएलए। ये प्रोसीजर है एमएलए के इलेक्शन का।